हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड टुडे आवर टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेसिकली होता क्या है। तो हम देखेंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ईच ऑफ अस हैज़ यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। समवन हैज़ वार्म, ओपन, रिलैक्स, शाय और एग्रेसिव पर्सनैलिटी। ऑर्गेनाइजेशन टू हैज़ अ पर्सनैलिटी विच इज़ नोन एज इट्स कल्चर। हम में से सबकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी या शख्सियत है, ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक खसूसियात और फीचर्स हैं। कुछ लोग वार्म होते हैं, कुछ लोग ओपन माइंडेड होते हैं, कुछ लोग रिलैक्स रहने वाले होते हैं, कूल होते हैं, कुछ लोग शाय होते हैं, बात बात पे शर्मिंदा हो जाते हैं, घबराते हैं, कुछ लोग एग्रेसिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन की भी एक अपनी शख्सियत होती है और वो शख्सियत उसका कल्चर कहलाती है। तो पहले हम देखते हैं कि बेसिकली कल्चर होता क्या है, कल्चर को डिफाइन करते हैं। कल्चर इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑफ माइंड। दिमाग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली कल्चर होता है, जो कि बहुत जगहों से कुछ ना कुछ सीख के बना हुआ होता है। अ सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज़, परसेप्शन, वांट्स एंड बिहेवियर लर्न बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी, फैमिली एंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। कल्चर बेसिकली सकाफत जो है, बेसिकली सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज़ और परसेप्शन है कि एक सेट है बुनियादी असूलों का, परसेप्शन ख्यालात का, वांट्स का, चाहतों का और बिहेवियर का, वो रवैयों का जो सीखा जाता है किसी भी सोसाइटी के मेंबर से, फैमिली से या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, मींस के यूनिवर्सिटी या स्कूल्स वगैरह। मींस के ये वो असूल होते हैं, ये वो ख्यालात होते हैं जो हम अपने इर्द गिर्द माहौल से सीखते हैं और वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और फिर वो हमारी सकाफत यानी कि कल्चर बन जाता है हमारा। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कल्चर है जिसको हम अब डिफाइन करते हैं कि वो क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ शेयर्ड वैल्यूज़, प्रिंसिपल, ट्रेडिशन एंड द वे ऑफ डूइंग थिंग दैट इन्फ्लुएंस द वे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर एक्ट। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है शेयर्ड वैल्यू से, वो असूल और प्रिंसिपल्स, वो कानून या वो रवायतें या वो काम करने के तरीक़ेकार जो असरअंदाज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के एक्ट के ऊपर। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के जो असूल होते हैं, जो कवानीन होते हैं, जो रवायतें होती हैं, या आपने किस तरह से बिहेव करना है, वो असूल रूल्स बता दिए जाते हैं, वही रूल्स ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होते हैं और वो वहाँ के मेंबर्स मींस के एम्प्लॉय के ऊपर असरअंदाज होते हैं। कल्चर इम्प्लाइज थ्री थिंग। कल्चर में तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कल्चर इज़ परसेप्शन, नॉट अ फिज़िकल थिंग डैट कैन बी टच। कल्चर बेसिकली एक परसेप्शन है, ये डिटेल वर्जन है ख्यालातों का, ठीक है, तसव्वुरात का। ये कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है जिसको आप टच कर सकें, इसको आपने फील करना होता है और फॉलो करना होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ डिस्क्रिप्टिव, इट कंसर्न हाउ मेंबर अंडरस्टैंड द कल्चर, नॉट वेदर दे लाइक। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है ये डिस्क्रिप्टिव है, ये थ्योरी है, डिटेल की थ्योरी, डिटेल में बताए हुए प्रिंसिपल असूल हैं जिनका काम, जिनको मेंबर का काम है कि वो अंडरस्टैंड करें और इन पे अमल दरामद करें, नोट वेदर दे लाइक इट, चाहे वो उनको पसंद हो या ना हो, फिर भी उनको करना पड़ेगा। थर्ड हमारे पास है, इंडिविजुअल मे हैव डिफरेंट वर्किंग बैकग्राउंड बट डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन सिमिलर टर्म। जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, मे बी उनका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो एक डिफरेंट सकाफत से आए होंगे, डिफरेंट कल्चर से आए होंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कल्चर को सिमिलर टर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि सब ने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को फॉलो करना होता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इम्प्लाइज होती हैं, कि पहली बात जो कल्चर होता है वो परसेप्शन होता है, कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव है, डिटेल में रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं चाहे वो पसंद आए या ना आए, डिफरेंट लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, बट दे हैव टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या सिमिलर टर्म्स, एक ही तरीके से उन सबको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फॉलो करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंड वीक कल्चर। किस तरह से पता चलेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रॉन्ग है और किस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो वीक है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर, वैल्यू आर वाइडली शेयर्ड, कि जो वैल्यूज़ हैं मींस के जो असूल और प्रिंसिपल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से शेयर किए जाएंगे तमाम मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मोस्ट एम्प्लॉय कैन टेल द स्टोरीज अबाउट द कंपनी हिस्ट्री। मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो बता सकेंगे कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कैसे इसका आगाज़ हुआ, कब ये बनी, कैसे इसमें डेवलपमेंट हुई और आज हम इस मकाम तक कैसे पहुँचे हैं। मोस्टली एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में पता होगा, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसको डिटेल बुक दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन और रूल्स और प्रिंसिपल बताए जाते हैं जिसको फॉलो करना होता है। तो जो शख्स उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उनको कंपनी की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता होगा। एम्प्लॉय स्ट्रॉन्गली आइडेंटिफाई विद कल्चर।
अब ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है एम्प्लॉय स्ट्रॉन्गली उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक तरीका कार होता है। अब लाइक BGU में IMS के स्टूडेंट्स को देखते ही पता चल जाता है कि ये IMS डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके बोलने का स्टाइल, उनके पहनावे का स्टाइल उन बता देता है कि ये किस कल्चर का, किस सकाफत का हिस्सा है। तो जो एम्प्लॉई होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से। जो नहीं हो पाते उनके बारे में हम कह भी नहीं सकते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यू एंड बिहेवियर, जो भी शेयर्ड वैल्यू है मीन्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो शेयर किए गए हैं, उस पर वो पूरा बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, उस पर एक्ट कर रहे होते हैं एम्प्लॉई, ठीक है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि जो कल्चर है वो इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड हम देखते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका कल्चर वीक होता है। वैल्यू लिमिटेड टू फ्यू पीपल यूजली टॉप मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल जो असूल होते हैं वो कुछ लोगों को ही पता होते हैं, खासतौर पर जो टॉप मैनेजमेंट होती है। सेकेंड, एम्प्लॉयज हैव लिटल नॉलेज अबाउट द कंपनी हिस्ट्री, एम्प्लॉई को अपनी कंपनी के हिस्ट्री के बारे में, तारीख के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एम्प्लॉई हैव लिटल आइडेंटिफिकेशन विद कल्चर, और आप एम्प्लॉई को नहीं पहचान सकते कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि वो वैसा बिहेवियर शो नहीं कर रहा होता, ठीक है, कि पता चले कि ये इस कल्चर का हिस्सा है, ठीक है। लिटल कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यू एंड बिहेवियर, लास्ट थिंग वही है कि जो वैल्यू शेयर की गई है, जो प्रिंसिपल रूल्स आपको बताए गए हैं वो उस पर बिहेवियर शो नहीं कर रहे होते, उनके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे होते। तो इन चीज़ों से पता चल जाता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो बेसिकली वीक है, क्योंकि एम्प्लॉई उनके असूलों पर पाबंदी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर बेसिकली हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है और स्ट्रॉन्ग और वीक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कौन से होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। इन स्लाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहीं पर लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।